हाँ भाई शहजाद भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया। कहाँ था इतने दिन से तू? मैं घूमने गया। मतलब मैं कहाँ था इतने दिन से? सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज टाइम मिला है शेविंग वेविंग कराने का, तो मैंने सोचा यार सबसे पहले आज, मतलब तबीयत भी सही है तो आज सबसे पहले मैंने कहा शेव करवा लेते। अभी राहुल का कॉल आया, राहुल ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई कुछ सामान लेके आना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से अपना शेव करवाऊँ, थोड़ी मसाज वसाज करवाऊँ, क्योंकि यार देखो फेस से टायर्ड लग रहा हूँ आप लोगों को बहुत, क्योंकि गाइस काम में इतना ज़्यादा बिजी होने के बाद असल में फेस का मैं ध्यान ही रखना भूल गया। इतनी थकान सी महसूस हो रही है ना अभी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले शेविंग करवाते हैं, फिर नहाए धोएंगे अपना, फ्रेश होने के बाद आप तब काम स्टार्ट करूँगा भाई। पहले आज कम से कम आधा एक घंटा अपना आपको दो। क्यों भाई शहजाद? जी बिल्कुल सही है। नहीं रोज़ा है? नहीं आज नहीं है रोज़ा। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सनी। गाइस यार देखो, दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल सफ़ेद हो गई, मतलब टेंशन में दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। यार कितना बुरा हाल हो रखा है, और अभी मेरी आँख में भी जो प्रॉब्लम थी ना, मतलब थोड़ी सी बुखार उखार चढ़ा था ना, तो अब सही है, अब काफ़ी सही है। फिलहाल हो चुका हूँ मैं बिल्कुल रेडी, और मैंने शेविंग वगैरह करवा ली अपनी, और ठीक है भाई अपना मजा आ गया, मतलब नहा धो के शेविंग वेविंग करा के ना, अब देखो बिल्कुल फ्रेश लुक आ रहा है। तो अब फिलहाल गाइज मैं जा रहा हूँ पहले सिविल लाइन्स, मुझे कुछ काम है वहाँ पे, तो अपना थोड़ा बहुत वहाँ से सामान लेना है मुझे अपने घर के लिए, तो वो ले लेता हूँ सामान, जल्दी पहुँचता हूँ क्योंकि जो लेबर आई हुई है वो वेट कर रही है मेरा। तो आज मुझे टाइम लगा था, मैंने कहा ठीक है आज सबसे पहले एक काम करते हैं यार, सबसे पहले तैयार हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, शेव वगैरह करवाते हैं। यार शेव हो रखी थी मेरी काफ़ी बड़ी, और टाइम नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, आप लोग जैसे ब्लॉग में देख ही रहे हो। तो आज मुझे जितना भी टाइम लगा ना, तो मैंने सबसे पहले यही काम करवाया, शेविंग वगैरह करवा के, और मैं अब रेडी हो चुका हूँ, अब अपने काम निपटाते हैं जल्दी फटाफट। फिर मैं सोच रहा हूँ आज अगर अपने काम निपट गए ना, तो कल फ्री हो जाएंगे, फिर कल कुछ और करेंगे बढ़िया सा, तो बहुत खुशी है कि काम निपटने वाला है। और जैसे कि हमेशा की तरह मैं बता दूं, आज भी बॉब नहीं आया, आज भी बॉब का काम रुका हुआ है। अब मैं सोच रहा हूँ बॉब को मना ही कर दूं, मैंने कहा ठीक है यार तू रहने दे, मैं किसी और से ही करवा लूंगा, क्योंकि यार फायदा नहीं है किसी को इतना ज्यादा फोर्स करना भी सही नहीं है। ठीक है किसी की वजह से किसी का काम नहीं रुकता, लेकिन ऐसा जरूर होता है कि विश्वास उठ जाता है आपका उस इंसान पे से, लेकिन चलो खैर जो भी है उसकी अपनी लाइफ है। अभी भाई के पास आया था, भाई से थोड़ा बहुत सामान लिया मैंने, ठीक है, और अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ सन्नी के पास, सन्नी को लेना है मुझे। अभी मैंने उसे बुला रखा था गणेशपुर पे, अभी तक तो वो आया नहीं, तो देखता हूँ थोड़ा सा इंतज़ार करता हूँ आ जाए, फिर निकलते हैं हम दोनों। और एक सामान और लेना है मुझे सिविल लाइन्स में, इसके बाद मुझे भाई के पास मिला नहीं, वो तो सिविल लाइन से ले लेंगे फिर जाएंगे घर। ये सो गाइस आज तो भैया ने कमाल मचा दी, कल येलो वाली बाइक पे थे, आज हो गए ग्रीन वाली बाइक पे, आज भैया लग रहे हैं बहुत गजब, ऑसम लग रहे यार भैया आप तो, सुपर लग रहे हैं। गाइज मैं भैया से बाइक मांग मांग के ले जाता हूँ कि भैया मुझे चलाने के लिए दे दो, कल भैया ने मुझे येलो वाली बाइक दी थी, आज भैया ने मुझे ग्रीन वाली, अब मज़े लो तुम, ठीक है जाओ मज़े लो, मज़े करके आके मुझे दे देना। क्यों भैया? गाइज मैं इन भाइयों की कसम से हिम्मत मानता हूँ यार, मतलब इन्होंने रोज़ा रख रखा है भाई ने, और ये काम कर रहे हैं, मतलब रोज़ा रखने के बाद भी देखो कितनी मेहनत चल रही है यहाँ पे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आज मैं सोच रहा हूँ आज कंप्लीट हो जाएगा अपना, और कल से मैं फ्री हो जाऊँगा, और कल फिर अलग ही किस्म का कुछ ब्लॉग बनने वाला है अपना बढ़िया सा, जो घूमने फिरने वाला, और एक ब्लॉग हम आपको जल्दी दे रहे हैं बढ़िया। क्यों सन्नी प्लान है ना? हाँ जी जो मैं बता रहा था, ठीक है, तो हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद जैसा भी कुछ होगा आप लोगों को दिखाया जाएगा। सो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आजकल क्या हुआ, आजकल ना मतलब एक दिन में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मतलब आज डे टू है, तो डे टू का दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं गाड़ी में हूँ, सामान लेने आया था कुछ घर पे, तो घर से सामान ले लिया, ये भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है एक, और ये कह रहा कि भाई आपके गाने वाने जो हैं मैंने देखे हैं, मैंने सुना है आपके बारे में, मैंने कहा ठीक है चैनल का बता दिया मैंने भाई को, देख लेना भाई हैं जी भैया, ठीक है ठीक है, चल इस व्लॉग में आएगा तू, ठीक है कल आएगा, ओके चल डन, ओके ओके बाय बाय बाय। तो गाइस अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सामान लेने बाहर, और मेरी गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो रही, हाँ और मेरी गाड़ी में भी गाइस प्रॉब्लम हो रखी है यार, मतलब कि मुझे अपनी कार की भी सर्विस करवानी है, तो मुझे आजकल टाइम नहीं लग रहा है अपनी गाड़ी की भी सर्विस के लिए, और घर के काम में ज़्यादा बिजी हूँ, और डे टू है आज, क्योंकि एक दिन में मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ कुछ, इस वजह से नहीं दिखा पा रहा हूँ गाइस, मतलब दोपहर तक काम करते हैं, फिर इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना
कि व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी गैस टाइम नहीं लगता, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। बाकी तो जैसा भी कुछ है आप लोग देख लेना, और अभी मैं सामान वामान ले आता हूँ, अपना सामान वामान लेने के बाद फिर अपनी ग्रिल भी उठा लूँगा, ग्रिल दिखाता हूँ आपको बनने के बाद कैसी लगती है, ठीक है? पहले ग्रिल ही उठा देते हैं, ठीक है? गाइस देखो, मतलब मेरी गाड़ी में ना कभी ये वाली लाइट नहीं आई, ये देख रहे हो आप, ये इंजन चेक लाइट है, तो ये वाली लाइट आ रखी है, और एक लाइट यहाँ पे आ रखी है, वो बार बार आती है और चली जाती है। अभी ये जब आएगी ना वो दिखाऊंगा आपको, तो वो शायद मेरे ख्याल से तो इसी वजह से आ रही होगी कि गाड़ी की टाइम से सर्विस नहीं हुई है। आज जाम देख रहे हो आप, गाड़ी में आने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जाम में फंस जाओगे, और जाम देखो कितना जाम लगा हुआ है, और सामने मेरा ऑफिस है, ऑफिस के सामने आज इतना जाम लगा हुआ है बहुत ज्यादा। फाइनली गाइस आ चुका हूँ मैं ग्रिल लेने के लिए, और आप सरप्राइज दिखा दो आपको कि कैसी बनी है ग्रिल, लाजवाब बनी है, अभी दिखा देता हूँ आपको ग्रिल जो बनी है। तड़ा, ये रही ग्रिल अपनी भी किडसनी की, लेकिन इसमें आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या, बताइए मुझे, कुछ गड़बड़ दिख रही है? हाँ गाइस यार, मतलब अगर देखो तारीफ है ना इसकी, ये जो सामने खड़ा इसकी अगर तारीफ है ना तो बुराई भी है, पता काम तो ये बढ़िया करता है, लेकिन इनने इसमें एक गड़बड़ कर रखी है, क्या कर रखी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें इनने गड़बड़ कर रखी है, यूट्यूब का लोगो इसने व्हाइट और रेड का कर दिया, मतलब ऊपर से तो होना था रेड और अंदर से होना था व्हाइट, इसने उल्टा कर दिया। ये देखो, बाकी तो इसने सारा बढ़िया बनाया, विकेट सनी है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, विकेट सनी बढ़िया, और इसने क्या गड़बड़ कर दी, ये रेड होना था और ये वाइट होना था, इसने ये वाइट कर दिया, इसे रेड कर दिया, बाकी ये बहुत बढ़िया लग रहा है। ये पूरा पेंट वर्क करवाया मैंने, इस पर कोई स्टिकरिंग नहीं करी, ये देखो कितना मतलब आर्टिस्टिक काम है ये गाइज, मतलब ये नॉर्मल बात है, ये ऐसे किसी से होता भी नहीं, क्योंकि बहुत ही इस पर टेपिंग टूपिंग करके फरमान भाई ने करा, हमारे फरमान भाई जो है बेस्ट पेंटर है मेरे, तो इसलिए मैं इनसे ही काम करवाता हूँ। तो खैर कोई नहीं, अभी हम इस पे क्या करेंगे, हम इसे रेड करेंगे और इसे वाइट कर देंगे, फिर बढ़िया हो जाएगा, और आज फिर भाई फरमान को देनी पड़ेगी चल कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, ठीक है? सो गाइस आज अपना काम पूरा हो जाएगा, और खुशी है मुझे इस बात की कि भाई आज फ्री हो जाऊँगा, तो सोच के भी ना खुशी हो रही, मतलब फ्री हो जाऊंगा, शुक्र है भाई ऊपर वाले का। अपने फरमान भाई ने गलती कर दी पेंट करने में, मतलब विकेट सनी तो उन्होंने बढ़िया लिखा, लेकिन वो जो यूट्यूब का लोगो है ना उसे उल्टा कर दिया, चलो खैर कोई बात नहीं, वो मुझे कल मिल जाएगा। और गाइज मुझे थोड़ा सा काम और है, मैं वो काम निपटा लेता हूँ अपना, और फिर मुझे फिर जाऊँगा मैं अपना आर्ट वर्क का काम देखने के लिए कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, और सोफा मेरा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे एक डेढ़ घंटे में बोल रहा था मुझे राहुल के हो जाएगा, बाकी अभी जाने के बाद ही पता लगेगा कि हुआ है या नहीं हुआ है, और देखना पड़ता है यार गाइस, मतलब अगर इधर उधर जाओ ना तो फिर दिक्कत यही होती है कि फिर काम करने में ना थोड़ी ढिलाई बरत देते हैं, तो कोई नहीं, खैर अभी मैं जाऊंगा अपना एक काम यहाँ का निपटा लेता हूँ, फिर चलते हैं। बस सब ब्रो, क्या हाल चाल, आज अपना फाइनल हो जाएगा, है ना? फाइनल है ना, पक्का फिनाले खेल देंगे आज, तो ये गाइस इधर खड़ा है सोडी। तो गाइस आज हमने सोचा है कि आज अपना जो है पूरा हो जाएगा आर्ट वर्क ना, तो मैं ये कह रहा हूँ अभी अभी फिलहाल कहीं जा रहा है तो अभी बस आधे आधे घंटे के अंदर अंदर आ जाएंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर। कूल लग रहा है यार तू, थैंक यू यार, ये चश्मा आता है तो भैया ने गिफ्ट किया कैसा लगा, बढ़िया लगा ना? अच्छा लगा, चल ठीक है ठीक है, मैंने तो अभी देखा था, बढ़िया लग रहा है, आज तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, आज मैं मतलब इतना रिलैक्स फील कर रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मेरा काम निमट चुका है, मतलब मेरा जो फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा था वो हो गया पूरा, और अब मेरा थोड़ा सा काम रह गया, वो मैं करवा लूँगा कभी भी, वो तो कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन गाइस बॉब ने धोखा दे दिया, बॉब बीच में चला गया था भाई, बॉब ने हमारा आधा काम छोड़ के चला गया था, और बॉब ने एक चीज़ और की थी हमारे साथ, बॉब ब्रश भी ले गया था और पेंट भी ले गया था, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी ना वो अपने साथ ले कर चला गया था यार, मतलब बॉब से कसम से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, क्या रात को 12 बजे ब्रश ले जाने के बाद रात को 12 बजे तक का टाइम हमारा वेस्ट करा, दो-दो चक्कर लगा भाई, पूरा दिन वेस्ट करा, पूरा दिन उसने हमारा वेस्ट करा, ठीक है? 9 बजे आते हैं, हाँ पूरा दिन वेस्ट करा उसने हमारा, और फिर 9 बजे वो आया बॉब, और 9 बजे आने के बाद एक घंटा काम करा, कहने लगा भाई कल करेंगे भाई, मैंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं होने का ना यार, ऐसे कैसे हो गए यार, ऐसे तो मतलब यार तू अपने काम तो निपटा ले, हम फ्री पड़े हैं वैसे ही, हमें और कोई काम नहीं,
तो गाइस हमें अभी देखना पड़ता है यार, बॉब से कसम से बहुत डिसअपॉइंट हो गया मैं। बेटा सन्नी, और सन्नी ने जो है मेरा साथ दिया, इसने मैं इसे जब भी बुलाता था तो ये एकदम आ जाता था, ठीक है। और इसकी मुझे सबसे अच्छी आदत तो ये लगी कि ये मतलब जब काम करता है ना तो काम के टाइम पे फिर ये बात नहीं करता, ठीक है, प्रायोरिटी काम को। हाँ, काम को, हाँ, एक जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, सही बात है। तो भाई अभी सन्नी ने जो काम किया, अभी हमने मिलके 3 दिन किस तरीके से काम करा यार हमने। जिस बंदे को काम करना होता है वो किसी भी स्थिति से किसी भी करके उसे काम करना है तो वो करके ही देता है कि भाई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, डिपेंड नहीं होना। तो फाइनली हमने अपना काम कर दिया है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम कि आप लोगों को दिखाने के लिए। गाइस मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को फाइनली मैं दिखाऊंगा आज जो हमने काम किया है। हाँ। तो 1 2 3 गो गाइस, ये देखो गाइस क्या मतलब क्या चीज है, सुपर गाइस। इस पे पॉप आर्ट इसे बोलते हैं, पॉप आर्ट, और ये मतलब डिफरेंट ही चीज है। पहले बॉब ने बनाया था, लेकिन ठीक है, बॉब इसे बनाने में 4 दिन उसने स्केच करने में लिए थे, लेकिन उसने सही नहीं बनाया। फिर एक दिन मैंने सन्नी को बुलाया तो सन्नी ने इस पे स्केच कर दिया, मतलब 2 या 3 घंटे में इसने स्केच कर दिया। 2 या 3 ही घंटे लगे थे उस टाइम जब तूने पहली बार कर दिया था। जब हाथ कर रहे थे, हाथ कर रहा था प्योर बैट। आप खुद बताओ उसकी जो वो बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने एक बार में कैसे कर दिया, बहुत जबरदस्त कर दी थी गाइस। फिर इसे बॉब ने से रब कर दिया था यार, लेकिन खैर कोई नहीं, चलो वो चीज हर्ट करी, लेकिन मैंने कहा नहीं यार कोई हर्ट नहीं, छोड़ो वो भी अपने ही आदमी। पता क्यों वो हर्ट हुई, लेकिन वो हर्ट होके भी मुझे हर्ट हुआ कि मैंने बुल डाला, लेकिन फिर भी मैं उसको जानता हूँ अंदर से। हाँ, वो भी अपना ही है, छोड़ो। उसका एक रीजन है मेरे छोटे से भैया कि आर्टिस्ट का एक रूल होता है कि कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है तो उसके काम में ना हाथ लग जाए उसका, तो वो उसकी जो विजन लेके चल रहा है तो वो उसमें खराब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सही कह रहा हूँ, इस चीज के लिए उसको गलत नहीं ठहराऊंगा जो जनरल बात नहीं, नहीं ऑनेस्टली देख एक बात है, मैंने तो उसने भी करी, लेकिन बस वो थोड़ा सा एक गलत ट्रैक पे चल रहा है। चलो वो सही हो जाएगा, उसे छोड़ दो, है ना। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। तो उसकी भी मेहनत है, ऐसी बात नहीं, उसकी मेहनत नहीं है, बॉब की मेहनत है गाइस, बॉब की और सन्नी की। हाँ, तेरे से ज्यादा मेहनत उसकी है पहले, लेकिन एक प्रॉपरली जिसे काम कहते हैं ना वो तूने करा है। तो गाइस बॉब की और सन्नी की दोनों की मेहनत है, और क्या सुपर्ब चीज बनाई है इन्होंने, मतलब बहुत अच्छी। लेकिन इसके पीछे डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन मैं बताऊंगा। इस देखो डायरेक्शन बहुत बड़ी चीज होती है, आप तू बता दे। तो इसके पीछे जो डायरेक्शन है वो है हमारे विकेट सनी भैया की, जिनका एक्चुअल में नाम सनी भैया है, उनका डायरेक्शन भैया का है। और मैं मानता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, लाइक वो मूवी हो गई, कोई छोटी सी शॉर्ट फिल्म हो गई, या और भी कोई चीज हो गई, हम आर्ट को लेकर चल रहे हैं, तो अगर एक सही डायरेक्शन बना तो मैं इसको अकेला देता, लेकिन जो एक डायरेक्शन जो डायरेक्टर जो होता है ना, वो जो डायरेक्शन देता है, तो उससे वो अगर वो चीज बन रही है ना, कोई चीज बाहुबली बिना डायरेक्टर के नहीं बन सकती, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको बाहुबली क्या चीज है, मस्त है ना, बढ़िया है ना। हाँ। वो बिना डायरेक्टर के नहीं बन सकती, अब उसे प्रभास है ना, प्रभास एक्टर का नाम, प्रभास अगर वो उस मूवी को डायरेक्ट करना चाहे तो भाई वो कुछ अलग ही कर देगा, और उससे वो डायरेक्शन नहीं होगा। तो विजन अलग होता है, आर्टिस्ट ये है, डायरेक्ट मैंने किया है, डायरेक्शन मैंने दी है, मैंने बताया है किस किस टाइप से कैसे कैसे बनेगा। बाकी देखो मेहनत इन लोगों की है, मेहनत इनकी बहुत ही। हमारी जब एक डायरेक्टर हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है तो हमारा क्या है कि हमारा फर्ज ये है कि हम अपने काम को प्रायोरिटी दें, और जो डायरेक्टर हमारे पे भरोसा है, पूरा जो फाइनल लुक है ना उसको हम 100% लेंगे, 100%। बाकी जो गाइस इसका जो पूरा फाइनल लुक है ना, मैं फाइनल लुक दूंगा आपको थोड़े दिन बाद, दिखाऊंगा आपको क्या लुक होने वाला है इस जगह का, ठीक है। अभी थोड़ा सा, अभी तो थोड़ा ही सा काम हुआ है, अभी थोड़ा रुक जाओ, सबर करो, ट्रेलर है, रुक जाओ, थोड़ा सबर करो गाइस, मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।